यार अहमद 17 में 303, हैदर अली 12 में 210, मोहम्मद नवाज 18 में 201 नहीं है, सिर्फ रिजवान और बाबर इज देयर स्ट्रेंथ। और जो दूसरी इनकी स्ट्रेंथ है, जो बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है बोलिंग। नेट बोलिंग अच्छे इस टीम के अंदर शाहीन शाफरीदी, हारिस रौफ, मोहम्मद वसीम, शाहनवाज दानी, नसीम शाह, नवाज, देन फिर क्या कहते हैं, शादाब खान। इस टीम की गेंदबाजी में मेरे को कोई शक शुबा नहीं है। इस टीम की असली ताकत जो है वो एक्चुअली बोलिंग है, और बैटिंग जो है ऑफकोर्स दो बल्लेबाजों के बारे में ही सब कुछ है। पाकिस्तान का लाइनअप तैयार है और पाकिस्तान टीम खेलेगी पहला मुकाबला भारत के साथ। क्या इस बार फिर से पाकिस्तान मैच जीत जाएगी? क्या हमें पटकनी दे जाएंगे? क्या पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? ये बड़े बड़े सवाल हैं जो आपके जहन में, मेरे जहन में भी हैं। तो पहला सवाल यही है, पाकिस्तान टू विन द T20 वर्ल्ड कप। इस साल मुझे लगता है नहीं जीत सकते। वहां तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, मुझे नहीं लगता। मैंने नो अपना मैंने सेलेक्ट करके अपना ओपिनियन सबमिट कर दिया है, और सही होने पर मैं जीत भी जाऊंगा। रियल मनी एकदम। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये बंदा ओपिनियन देख के पैसे कैसे कमा सकता है? यार कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और आप जीत जाओगे ढेर सारा प्रॉफिट। इसमें हर तरह की कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, दिखेंगी, और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने ओपिनियन को सबमिट कर सकते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो भी चलिए एक और सवाल क्रिकेट से आप मतलब पूछ लेते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इज शाहनवाज धानी टू स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 वर्सेस इंडिया। ना भैया, मुझे लगता है नहीं खेलने वाले शाहनवाज दानी, और इसमें मैंने क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज कर दी होगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा सही जवाब होगा और प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज हो जाए, और जीते हुए पैसों को मैं आसानी से पेटीएम, गूगल पे, कार्ड के जरिए, मतलब काफी सारे जरियों के आसान से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। 70 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी प्रोमो पे खेल रहे हैं, पैसे कमा चुके हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो 25 रुपीज तक आपको मिल सकते हैं। तो फिर ऑल यू हैव टू डू इज, अपना ओपिनियन है उसको पैसे कमाओ, प्रोमो करो, एंजॉय। अब जरा वीकनेस की बात कर लेते हैं। प्रोबो की हमने बात कर ली, वीकनेस की बात कर लेते हैं। वीकनेस इस टीम की मिडल ऑर्डर कितने हैं पाजी? है नहीं कोई। शान मसूद की जगह हो सकता है फखर जमान आ जाए, इफ्तिकार अहमद होते हैं, आसिफ अली होते हैं, बाकी हैदर अली होते हैं, पर कोई भी सफलता की गली नहीं जाता है। ये मिडल ऑर्डर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग रहा है। सो मच सो कि अब कह रहे हैं शादाब को 4 पे खिला लो, नवाज को कभी ऊपर भेज दो, क्योंकि जो भी बाकी नाम है, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो इफ्तिकार अहमद हो, चाहे वो आसिफ अली हो, हैदर अली हो, किसी ने भी ना अभी तक मतलब अपना रुतबा दिखाया नहीं, अपनी जगह बनाई नहीं है। सो भाई पाकिस्तान, प्लीज बी वेरी, आपकी जो मिडिल ऑर्डर है वो आपके मिडिल क्लास की तरह है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। सॉरी, आई मीन दिस इज व्हाट इट इज, रिच पुअर बीच में खाली। और दूसरा कैचिंग, हम कह रहे हैं भारत की कैचिंग खराब है, इनकी भी इक्वली खराब ऑलमोस्ट। हम भी कैच छोड़ते हैं, ये भी बहुत कैच छोड़ते हैं, कैचे इतनी अगर छोड़ोगे तो फिर बॉलिंग जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये दूसरी जो कमजोरी नजर आती है मुझे, वो एक तो मिडिल ऑर्डर की समस्या, और दूसरी ऑफकोर्स आपकी कैचिंग है। ऑस्ट्रेलिया में जीते नहीं हो, इसको कमजोरी नहीं मानता मैं, इसको कहता हूं ये तो फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है यार, जो आज तक नहीं हो सका कि दिखाओ। अपॉर्चुनिटीज, दैट्स माय नेक्स्ट बॉल, ना बॉल डालना है सुपर ओवर में, नेक्स्ट बॉल इज अपॉर्चुनिटीज। और अपॉर्चुनिटीज देखिए, फखर जमान मुझे लगता है टीम का हिस्सा बन जाएंगे, अभी ट्रैवलिंग रिजर्व में है, शान मसूद की जगह ये टीम में शामिल हो जाएंगे, इनको फिर 3 नंबर बैटिंग मिलेगी। कुछ कर लो यार फखर साहब, अगर आप जम गए और आपने कुछ मतलब बढ़िया सा माहौल बना दिया तो जमा दिया तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद इफ्तिकार, आसिफ, हैदर अली, मिडल ऑर्डर, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हर बार तो ना तो रिजवान बाबर खेलने वाले हैं, और अगर दोनों खेलेंगे भी तो भी तो मिडल ऑर्डर में किसी को रन बनाने पड़ेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी 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 अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं तो इनके मिडल ऑर्डर को देखता हूं, और उसके बाद पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक अगर आप 4 ही मैच खेले, ज्यादा आप ऑस्ट्रेलिया जाते नहीं है, तो वहां पर आप जब गए हैं तो अपनी गेंदबाजी के साथ थोड़ा, तो यार मोहम्मद वसीम और नसीम शाह और शाहीन शाफरीदी और हारिस रौफ, शाहनवाज दानी, भाई करो कमाल, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट आई फील।